क्या होगा अगर इंडियन मिलिट्री और रशियन मिलिट्री एक साथ हो जाए? वैसे तो ये एक साथ ही हैं, लेकिन इन दोनों की क्वांटिटी को मिला दें तो तब क्या होगा, चलिए जानते हैं। एक्टिव पर्सनल की बात करें तो इंडिया में 14,55,000 से भी ज्यादा एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं, और वहीं रशिया में 8,50,000 से भी ज्यादा। दोनों को मिला दें तो लगभग 23,50,000 एक्टिव पर्सनल होंगे, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और ये तो हम सबको पता ही है कि रशिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वाला कंट्री है। एयर पावर में रशिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट 4,173 है, और वहीं इंडिया के पास 2,182। दोनों को टोटल करें तो 6,355 एयरक्राफ्ट है। लैंड फोर्स की बात करें तो इंडिया में टोटल टैंक्स 4,614 है, और वहीं रशिया में 12,420 टैंक्स। दोनों को मिला दें तो टोटल 17,034 टैंक्स होते हैं। इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि अगर ये दोनों एक हो जाएं तो क्या होगा। और हाँ, मुझे कमेंट में इसके और भी एडवांटेजेस बताना।